मोदी है ना मोदी, उसको तकलीफ ये है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की क्यों करता है, और इस वजह से कि उसने ये करवाया होगा इंडिया है हमारे तो तालिबान बेचारे उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वो नहीं दहशतगर्द नहीं है तो और कौन है। ये कह रहे मोदी को पसंद करने वाला बंदा दहशतगर्द है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दहशतगर्द कैसे हुआ यार, मुसलमानों को वहाँ काट रहे हैं, वो हमारी बेटियों को बेकार बेकार कर रहे हैं, इज्जतें लूट पर हमारे गालियों पे, बात गालियों पे आ रही है, आप कैसे निकाल सकते हो मोदी को गाली, वो इसी बात पे टॉपिक हो रहा है ना। दोस्तों आप सभी को पता होगा पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टेररिज्म कंट्री है, आप सभी को दोस्तों पता, आप सभी को दोस्तों बता दी कि पाकिस्तान में हाल ही में दोस्तों एक दो दिन हो रहा है वहाँ पर एक बम ब्लास्ट में दोस्तों 40-50 लोगों दोस्तों मौत हो चुकी है। इस पर दोस्तों जो पाकिस्तानी लोग है वो दोस्तों मोदी जी और भारत को ठहराए हैं कि वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है और ये सब काम कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में उन्हीं का रिएक्शन चलो देखते हैं, इस वीडियो में वो लोग क्या बोलते हैं। साबित करना चाहते हैं कि मोदी ठीक है, हम गलत हैं। मोदी ठीक नहीं है, जो हक की बात है, जहाँ पे गलत है वो गलत है, जहाँ पे हक की है ना वो तो कि वो सही नहीं। सर मैं आपसे सच बतवाना चाहता हूँ सर, दुनिया में गलत कोई भी नहीं है, नहीं दुनिया में गलत कोई भी नहीं है, सिर्फ हम अपने, अगर वो बंदा गलत होता तो क्या पूरे इंडिया को सदर होता, पूरी दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत का मालिक होता? नहीं नहीं, वो मालिक है, धक्के से ही बना हुआ है, ऐसे नहीं बना हुआ वो। आप बताइए धक्के से बना हुआ? नहीं नहीं, अवाम की ताकत से बना हुआ, इसने वोट दिया था ना इसलिए बना। भाई गाइस देखें, एक नौजवान मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो अपने अवाम के लिए ठीक है। हमारे पास भी तो कोई हो जो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बनाए हमें, इंशाल्लाह बनाएगा इमरान खान आने, बातों से बनाएगा सिर्फ। नहीं नहीं, बातों से कैसे बनाएगा? इंडिया इन्वॉल्व, क्या तुम लगता है इंडिया इन्वॉल्व है, तुम्हारे सामने कौन इन्वॉल्व हो सकता है सर? तालिबान ने भी क्या कि असली पीछे नहीं है। सर बात ये है कि जो इंडिया जो मोदी है ना मोदी, उसको तकलीफ ये है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की क्यों करता है, और इस वजह से कि उसने ये करवाया होगा इंडिया है हमारे तो तालिबान बेचारे उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि, क्योंकि वो मुसलमान है जो अफगानिस्तान वाले हैं। अफगानिस्तान तालिबान टीटीपी भी तो करवाती रहती है, वो बहुत सी चीज़ों में कबूल करती रहती है कि ये हमने करवाया। देखिए अब तो नहीं ना उन्होंने किया, या तो उन्होंने अगर कबूल किया है तो हम मान लेते कि ठीक है जी उन्होंने किया है, लेकिन अब ये 100% इसमें इंडिया इन्वॉल्व है कि जो, क्योंकि जो उनके हालात हो रहे हैं वो नहीं चाहते कि हम आगे तरक्की करें, वो पाकिस्तान के वैसे ही खिलाफ है, तो मेरा तो यही है कि वो इंडिया ने किया। तो कैसे लगता है इंडिया, कोई सबूत हमारे पास या कुछ है? नहीं देखिए सबूत हमारे पास ये भी नहीं है कि तालिबान ने किया है या किसी का भी, हम नाम तो डायरेक्ट, बात ये है कि जो इंडिया है ना इंडिया, वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। बात ये है कि इंडिया इस वजह से इन्वॉल्व हो सकता है कि वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो कि आजकल ना हमारे मुल्क में कोई अच्छे हालात शुरू हुए हैं, तो वो नहीं चाहता कि हो सकता है इंडिया ना भी हो, जैसे इलेक्शन करीब है, आपको लगता है कि हमारे अंदर यार उनके, देखें देखें अंदर का, मैं किसी का नाम हम कैसे कह सकते हैं, इंडिया का हम कैसे कह सकते हैं? नहीं मेरी बात सुने, अब जैसे कि लोगों ने कहा है कि जी इंडिया है, बात ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारा, दो मुल्क है, एक अमरीका है और एक इंडिया है, ना तो इंडिया चाहता है कि मुसलमान हम पाकिस्तान तरक्की करें और ना ही इंडिया चाहता है कि हम तरक्की करें। अब आप खुद समझदार हैं कि जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे वो ऐसे ओछे हथकंडे करेगा फिर वो। फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। अफगानिस्तान को आपने क्या कहा कि वो पीछे से वार करते हैं सर? हमने क्या कहा सर? मुशर्रफ ने क्या किया? मुशर्रफ ने बुरा किया ना, अब उन्होंने भी तो करना ना कुछ ना कुछ। बुरी बात है, जो किया तो गलत किया है, हमने गलत किया है ना। आज अफगानिस्तानी उनको रखा हुआ था, हाँ करे करे ठीक है। कल बजौड़ में मस्जिद में धमाका हुआ है, बताए बहुत गलत हुआ, किसने किया? पता नहीं बेटे, हमें पता हो तो हम दे पता था, हमें पता है किसने दी है? भाई हमारे ही भाई मरे उधर, हम पंजाबी है, इसमें एक पंजाबी है, हमारे भाई नहीं। ओ मैं अफगानी बेटे, खिलाफ की बात, पठान सिर्फ अफगानी नहीं, एक चीज नहीं हो गया हो तो सिर्फ पठान की वजह से, पंजाबी में भी गलत होता है, पंजाबी में भी पंजाबी में भी गलत हो सकता है, सारे पठान हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये तो बात बात कुर्बानियां पठाना ने दी ने ना, दुनिया पंजाबियों ने भी नहीं दी, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी जिन्हें भी शहीद, जिन्हें भी शहीद है पंजाबी नहीं थे कौन ने, अब पंजाबी जो जिन्हों फोटो लगिया ने अज कहीं पठान की लगी है, करे पठान दी लगी तस्वीर किधर, असी पजामिया ने दी है कुर्बानियां। अभी आपको पता हमारे हदूद के ऊपर से अभी यूरोपियन कंट्री सारी एक हो गई, हमारे हदूद के ऊपर से प्लेन भी अपना उड़ाने में वो रजामंद नहीं है। हाँ ये समझ, न्यूज सुनी थी आपने? नहीं मैंने सुनी तो नहीं है, बस इसी तरह पता क्यों नहीं उड़ा रहे
वो उनका कहना ये है कि अगर पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क बन चुका है कि अगर इसके ऊपर से भी प्लेन उड़ाएंगे तो वो बम इधर से रॉकेट लॉन्चर मार के जहाज गिरा देंगे। बस वो क्या कहते हैं कि अमेरिका की शुरू से पॉलिसी है कि टारगेट किया है तालिबान को, नाम गंदा किया उनका कि तालिबान है, फिर उनके ऊपर टारगेट किया है। आपको पता है कि वो उधर कोई ऐसा मैं भी टारगेट किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, कहीं कहीं है, पर ये कि अब उनकी शिकस्त हो चुकी है। जिद करते हैं हम इसके पीछे नहीं है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे इंडिया हो सकता है? अक्सर लोग कह रहे हैं तो ज्यादा जो इंडिया तो हमारा दुश्मन है, इंडिया किधर हमको छोड़ देते हैं कि हम आराम से बैठ जाए, वो तो नहीं छोड़ते पाकिस्तान को, पाकिस्तान बस अल्लाह इनको खैर करे। खुद हमारा सियासतदान भी अभी देखो कितना गुर्बत है, हर चीज कितने महंगाई है, और इसके पीछे कोई हमारा सियासतदान भी हो सकता है? हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, उनको ही पता नहीं है कि उधर से कोई आते हो इधर बैठे हो, जलसों का पता नहीं पुलिस किधर था, दूसरा किधर था, क्या काम करता था, जो उधर जलसा होता था तो उनको हिफाजत भी कर लेना था, नहीं उसको तो पता है कि बॉर्डर है, तो बॉर्डर के शहर में तो हर चीज़ होता है, उनको इतना आदमी मर गया, इतना आदमी वो तो हेल नहीं करता था, ये हुकूमत किधर था, सोया हुआ था, बस आपस में लड़ता रहता है और लोगों को मारता रहता है। ये अच्छा उम्मत मुस्लिम है ना वहाँ पे, तो ये हिंदुस्तान में भी हुआ था, तो वो अटैक ये देखे ना होता किसके ऊपर है, हिंदुस्तान में भी अटैक हुआ है, अटैक हुआ है, पर वो ये देखें आपके मुसलमानों पे हुआ है कि काफिरों पे हुआ है, ये देखें ना आप वहाँ पर, तो ये तो नहीं ना देखता अटैक करने वाला बंदा, 26/11 का देख लें आप कहाँ पर हुआ था, बस ये इसी तरह ही है, आपको पता है मुसलमानों पाकिस्तान पर ही टारगेट क्यों, पाकिस्तान अगर देखें तो इतना डेवलप कंट्री भी नहीं है, पाकिस्तान पर टारगेट क्यों, साजिश है किसी मुल्क, हाँ साजिश है इस मुल्क, इंडिया की साजिश है, ये नहीं कहा जा सकता, अमेरिका की साजिश, टारगेट नहीं कर सकते कि कौन, अमेरिका की साजिश है, किसी की भी हो सकती है, काफिरों हमारी खुद की अपनी या खुद की नाहली है, काफिरों की है ये, हमारे हमारे एजेंसीज हमारे इदारे क्या कर रहे हैं जिनको हम पे कर रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, सवाल है ना, सवाल तो सवाल ये निशान है ना, जी बिल्कुल है, दुनिया में अगर देखे ना, अगर देखे हमारी ISI पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है और फिर भी टारगेट इधर हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि तकरीबन पूरी दुनिया में जो ISI से ना ये खूब करते हैं और फिर भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम होना, ये जो है, तो आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस नाम से जाना जाता है, टेररिज्म के नाम से दोस्तों, पूरी दुनिया में इनका नाम फेमस, कहीं भी दोस्तों जाते हैं सभी को पता होता है कि पाकिस्तान से आए हैं तो पक्का चोर है, उचक्के या बम ब्लास्ट के कारण आए होंगे, तो इसी को दोस्तों लेकर पाकिस्तानी जो भिखारी कुछ जाहिल वहाँ पड़े हुए दोस्तों, वो बोलते हैं कि इस सिर्फ भारत का काम है क्योंकि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इन्हें ये दोस्तों नहीं पता कि भारत ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करता इन भिखारी और जाहिलों की तरह, दोस्तों मासूमों की ये लोग खुद से मारकर जान ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये भारत ने किया, अफगानिस्तान किया, बांग्लादेश किया, बहुत सारे कंट्रियों को इल्जाम लगा देते जो कि दोस्तों ये लोग खुद बम ब्लास्ट कराते हैं, इसी को दोस्तों लेकर जो है कि यूरोप की दोस्तों जो कंट्री हैं वो अब पाकिस्तान के जितने भी एरोप्लेन है दोस्तों उसको बैन लगा दिए हैं और उसके ऊपर से नहीं जा सकते दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और पहले बार चैनल सब्सक्राइब।